सबसे पहले इस प्रांगण में मौजूद मेरी मार शक्ति एवं पंच कमेटी जिगड़ी के शौकीन श्रोतागण के चरणों में कृष्णा डागुर की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, राम राम झाजी। कवि ने अपनी कलम को उठाया और बाबा साहब बड़े ही प्यारे शब्दों में दोहा के माध्यम से किस तरीके से लिख रहा है कवि। समय समय पर कीजिए बैर भाव और प्रीत, समय समय पर गाइए समय समय के गीत। और बाबा साहब अब चलते हैं प्रसंग की ओर। मेरा प्रसंग, मेरी कथा और मेरा जिक्र उस समय का है जिस समय महाभारत को चलते चलते 18 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि भैया संजय, आज के युद्ध मैदान में क्या हुआ? तब संजय ने कहा कि राजन का बड़ा पुत्र दुर्योधन मारा गया। आदि मेरा प्रसंग उस समय का है जिस समय तीन प्राणी काशी में जाके बिक जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और रोहतास कुमार। राजा हरिश्चंद्र को तो कालू भंगी खरी लेता है सज्जनों, और रानी तारावती और रोहतास कुमार को एक ब्राह्मण खरीद लेता है। और किस तरीके से दोहा के माध्यम में कवि क्या तरीके से लिख रहा है, प्यारे तरीके से लिख रहा है। माता अपने लाल को झकझोरे पुचकार, रोहित जब बोला नहीं रानी खाई गई तरन पछार, मैया दिल को दी
और धर्म में कभी बड़े ही प्यारे शब्दों को लिख रहा किस तरीके से, जल बिन जैसे मीन भैया तीन बछड़ा बिन गैया, कोई बिना मनी के सर पशु तड़प रही समय हुआ हो हाजी। सभी कलाकार बारी बारी से उपदेश लगाते हुए जा रहे हैं, अब आप मेरा भी उपदेश सुनेंगे और किस तरीके से नहीं बन सकती है तो काटे बन कर मत रहना। और नए नए कानून बदल गए इतिहास जिते मेरे बाबा साहब बुजुर्ग जितने भी मेरे भाई बहन और जितने मेरे माताएं जितने भी बैठी हैं गौर से सुनना। अरे नए नए कानून बदल गए ऐसी हुकूमत आई और मर्दों की चौधर खत्म हुई बन गई सरपंच लुगाई।